सानहे 9 मई ने पीटीआई को मायूसी के अंधेरों में धकेल दिया है। तहरीक इंसाफ अब अपनी सियासी बका की जंग लड़ने में मसरूफ नजर आती है। सामने नजर आती पतझड़ और सख्त मौसम को देखते हुए कई इमरान डू रहनुमा किनारा कशी इख्तियार कर चुके हैं, जबकि कई रहनुमा जल्द पार्टी से अलग होने का ऐलान करने वाले हैं। ताहम सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वजीर आजम इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद फौजी तनसीबात पर होने वाले हमलों से पीटीआई को क्या नुकसान हुआ है, क्या मुस्तकबिल में मजीद रहनुमा भी पार्टी को छोड़ सकते हैं और क्या इमरान खान पाकिस्तान छोड़कर बैरून मुल्क जा सकते हैं। इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए सीनियर तजियाकार अंसार अब्बासी का कहना है कि 9 मई के वाकयात के बाद इमरान खान ने अपने ऊपर रेड लाइन लगवा दी है। पाकिस्तान की 75 साल तारीख में पहली मर्तबा होगा कि कोई पार्टी इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई के बाद में कामयाब हुई हो। दिफाई तजियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद नईम लोधी का कहना है कि माजी में भी मुतद्दिद पार्टियों को ख़त्म करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई एक पार्टी ख़त्म ना हो सकी। इमरान खान रिवायती सियासतदान नहीं, वो सरधड़ की बाजी लगा रहा है। इमरान खान कभी मुल्क छोड़कर बाहर नहीं जा सकता। तजियाकार नादिया नकी ने कहा कि इमरान खान को अलकादर ट्रस्ट जैसे केसेस का सामना है जो 9 मई के वाकयात से ज्यादा अहमियत रखते हैं। इमरान खान को जेल में रखना इस्टेब्लिशमेंट के लिए ज्यादा खतरनाक है। इस्टेब्लिशमेंट माजी में भी साबिक वजीर आजम को जेल में रखने से जिला वतन करने को फौकियत देती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल के हवाले से नादिया नकी ने कहा कि पीटीआई रहनुमाओं के जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है, ताहम ये सुस्त रवि का शिकार है। अलीजादी समेत किसी दूसरे बड़े रहनुमा ने प्रेशर के बावजूद पार्टी को नहीं छोड़ा, इससे साबित होता है कि अब भी पीटीआई से लोगों को अलग करना मुश्किल है। पीटीआई का कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनता भी नजर नहीं आ रहा। सीनियर तजियाकार अंसार अब्बासी का मजीद कहना था कि पीटीआई रहनुमा और कारकुनान का कहना था कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है। ताहम 9 मई के वाकयात के बाद इमरान खान ने अपने ऊपर रेड लाइन लगवा ली है। इन वाकयात ने इमरान खान और पीटीआई को एक मुश्किल में फंसा दिया है, जिससे फौरी निकलना मुश्किल नजर आ रहा है। 9 मई के वाकयात सिर्फ आर्मी चीफ के खिलाफ नहीं बल्कि पूरी फौज के खिलाफ थे। पीटीआई की जानिब से इस किस्म की इल्ज़ाम तराशियों के संगीन नतायज भुगतना होंगे। इमरान खान और पीटीआई का इस सब कुछ से निकलना हैरान कुन होगा। पाकिस्तान की 75 साल तारीख में पहली मरतबा होगा कि कोई पार्टी इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई के बाद में कामयाब हुई हो। इमरान खान ने हकीकी आज़ादी का नारा लगाकर अमरीका से आज़ादी की बात की, ताहम वक्त ने साबित किया कि वो दरअसल अपनी ही फौज से आज़ादी चाहते हैं। दिफाई तजियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद नईम लोधी ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने की बातें हो रही हैं। माजी में भी बहुत सी पार्टियों को ख़त्म करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई एक पार्टी ख़त्म ना हो सकी। अवामी नेशनल पार्टी, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग को ख़त्म करने की कोशिशें की गई, लेकिन ये पार्टियाँ ख़त्म ना हो सकी। जब तक अवाम की हिमायत किसी पार्टी को हासिल है, इसे कोई ख़त्म नहीं कर सकता। अगर इमरान खान के साथी एक दूसरे के मुखालिफ हो जाएं, जैसा कि एमकेएम के साथ हुआ, तब पार्टी ख़त्म हो सकती है, लेकिन कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा। इमरान खान के पाकिस्तान छोड़कर बाहर जाने से मुतालिक सवाल पर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद नईम लोधी का कहना है कि इमरान खान का पाकिस्तान छोड़कर बाहर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इमरान खान रिवायती सियासतदान नहीं, वो सरधड़ की बाजी लगा रहा है। इमरान खान कभी मुल्क छोड़कर बाहर नहीं जा सकता। सीनियर तजियाकार इरशाद आरिफ का इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि 9 मई के वाकयात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है, लेकिन ताहाल इलेक्टिबल्स ने पीटीआई को नहीं छोड़ा। इससे जाहिर होता है कि इमरान खान और पीटीआई अब भी एक मजबूत जमात है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि 9 मई के वाकयात के बाद इमरान खान के वोट बैंक पर कोई फर्क पड़ा है और न ही फर्क पड़ेगा। यूट्यूब पर गूगली न्यूज देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।